हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा डेवलपर्स का। तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि डेवलपर किसको बोलते हैं, जो पूरा वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या ऐप बनाते हैं उनको डेवलपर बोलते हैं। तो बट डेवलपर में भी दो टाइप के डेवलपर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक वेब डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होते हैं और वेब डेवलपर क्या होते हैं, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं। पूरा जो भी डाउट है पूरा आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करते हैं, वो लोग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को वो लोग डेवलप कर सकते हैं। बट जो वेब डेवलपर होते हैं वो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को ही डेवलप करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसको हम लोग होस्ट भी कर सकते हैं, विदाउट होस्ट भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, अपने जो हमारे मोबाइल्स या जो हमारे सिस्टम होते हैं उसके अंदर डाल के उस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब उस सॉफ्टवेयर का सेटअप हम लोग अपने पीसी या फिर अगर एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ऐप बनाया हुआ है, तो मोबाइल में एपीके फाइल डाल के हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बट ऐसा वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पे नहीं है, उसको हम लोग को होस्ट करना जरूरी है वाया इंटरनेट या फिर हम लोग लोकली आईपी पे भी होस्ट कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंग जरूरी है वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन के लिए। और सॉफ्टवेयर के लिए होस्टिंग जरूरी नहीं है, वो विदाउट होस्ट किए हुए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्लस पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उसमें होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो वेब डेवलपर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को बनाते हैं उसमें होस्टिंग की जरूरत होती है। जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो पूरा बेस होते हैं ओएस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे ही सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबको देख के ही सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में ओएस से कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, ब्राउजर के बेसिस पे भी बनते हैं वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट। जो न्यू ब्राउजर रहते हैं उसी पे चलते हैं कोई कोई वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, ओल्ड ब्राउजर पे वो कंपेटेबल नहीं होते हैं, मतलब वो वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो HTML5 और CSS3 यूज होते हैं उसके अंदर बहुत सारे टैग ऐसे हैं जो ओल्ड ब्राउजर पे विजिबल नहीं होते, मतलब वर्क नहीं करते हैं। इसीलिए जो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन है वो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस होते हैं। अब सैलरी की बात करें तो दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ये बात है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है वेब डेवलपर से, बट ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में, दोनों के सैलरी में। दोनों को लॉजिक एंड कोडिंग सब कुछ करना पड़ता है, दोनों में सेम लॉजिक यूज होते हैं, बस ये फर्क रहता है कि ये सॉफ्टवेयर रहते हैं और वेबसाइट रहते हैं। आई थिंक आज के वीडियो से आपका ये दोनों डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट पेंडिंग है, बचा हुआ है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।